नमस्कार बहनों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ छोले की सब्जी। इसके लिए मैंने रात भर छोलों को भिगो दिया था, फिर मैंने कुकर के अंदर छोले डाले, दो आलू डाले, एक पोटली के अंदर चाय पत्ती, दो लौंग, दो इलायची डाल के गांठ मार के उसके अंदर डाल दी और पानी ऐड किया, स्वाद अनुसार नमक डाला। फिर हमने कुकर का ढक्कन लिया और उसके ऊपर एक चम्मच हमने घी की डाली, या आप ऑयल भी डाल सकते हो, ताकि जो हमारा पानी है छोलों का वो बाहर ना आए जब सीटी आए। अभी हमने हमारे कुकर को सीटी के लिए गैस के ऊपर रख दिया। अभी हमारी दो सीटी आने के बाद हम छोलों को उतार देते हैं। अभी हम एक ग्राइंड करने के लिए, अब मिक्सी में आप पीस सकते हो, प्याज कट कर लेना और हरी मिर्च कट कर लेना। जब तक मेरे प्याज और हरी मिर्च कट हो रही है, तक आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप मेरी वीडियो को कहां से देख रहे हो। ये मेरे प्याज और हरी मिर्च कट हो चुकी हैं, अब मैं इनको ग्राइंड कर लूंगी। इनका फाइन सा पेस्ट बना के हमें रेडी कर लेना है। अभी हम हमारी गैस के ऊपर कढ़ाई रखेंगे और उसके अंदर एक चम्मच घी ऐड करेंगे। हमारा घी गर्म होने के बाद हम उसके अंदर जीरा डाल देंगे। जब हमारा जीरा तड़क जाए, तब हम उसके अंदर कड़ी पत्ता डालेंगे। जो कड़ी पत्ता है वो हमारी सब्जी के अंदर अच्छी सी महक लेके आता है। ये हमने कड़ी पत्ता ऐड कर दिया और हींग डाल दिया। अभी हम इसके अंदर हमारा जो प्याज का पेस्ट हमने रेडी किया था वो ऐड कर देंगे, और हमारा प्याज का पेस्ट हमें अच्छे से भून लेना है। तब तक हमारा प्याज का पेस्ट भून रहा है, तब तक हम हमारे टमाटर की कटिंग कर लेते हैं। हमें टमाटर की प्यूरी ऐड करनी है। ये हमारा प्याज का पेस्ट भून चुका। अभी हम इसके अंदर स्पाइसी नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। अब हम हमारे टमाटर को ग्राइंड कर देंगे और फाइन सा पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। ये हमारी टोमेटो प्यूरी बन के रेडी हो चुकी है और ये हमारे प्याज भी भून चुके हैं। अभी हम इसके अंदर टोमेटो प्यूरी ऐड कर देंगे और अच्छे से भूनेंगे। जब तक हमारा जो छोंक है वो घी ना छोड़ दे, तब तक हमें हमारे प्याज टमाटर के छोंक को भूनते रहना है। ये हमारा छोंक घी छोड़ने लगे, अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और किचन किंग मसाला, जो कि सब्जी के अंदर अच्छी सी सुगंध लेके आता है। अभी हम इसके अंदर आलू और छोले ऐड करेंगे। जो आलू है उसकी प्यूरी बना के हमें ऐड करनी है, उनको मेस कर देना है अच्छे से। ये मेरा छोंक गर्म हो रहा है, तब तक मैं आलू मेस कर रही हूँ। अभी हमारे आलू और छोले रेडी हो चुके हैं, अभी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और ये हमारी सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। आज मैंने छोले की सब्जी के साथ बनाए हैं भटूरे। अगर आप मेरी भटूरे की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो छोले भटूरे की आने वाली है। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो किस रेसिपी की लेके आऊं कॉमेंट जरूर करें।